दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बजाज फाइनेंस का जो EMI कार्ड है उसकी लिमिट अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो लाइव प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताएंगे, कैसे ईमेल्स करना है, क्या लिखना है, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। अगर आप भी अपने बजाज कार्ड का जो लिमिट है इंक्रीज करना चाहते हैं तो 100% कर सकते हैं, बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन भी कर देना, इससे आपको हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है मिलता रहेगा। चलिए हम ले चलते हैं आपको अपने ईमेल्स के इनबॉक्स में और वहाँ पे कुछ डिटेल्स दिखाएंगे, कैसे आपको ईमेल्स भेजना है वो भी आपको बताएंगे। सो प्लीज़ आप लोग पूरा वॉच करते रहना। दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपने जीमेल्स को ओपन किया है, आप भी ओपन कर लेना और आपको डिटेल्स में बताएंगे एकदम समझा के, आप बड़ी आसानी से अपने बजाज EMI कार्ड का जो लिमिट है उसे इंक्रीज करवा सकते हैं। जैसे अपने ईमेल्स को आप ओपन करेंगे तो आपको फॉर्म में अपना वो ईमेल लिखना है जो आपका बजाज में रजिस्टर हो। अगर आपके पास आपके बजाज में ईमेल्स रजिस्टर नहीं हो तो कोई दूसरा ईमेल्स आप फॉर्म में डाल सकते हो। टू में ए ईमेल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको ए ईमेल्स डाल देना है। आपको चाहिए तो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, नोट डाउन कर लेना। आप ये दोनों काम कर लिए, इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट में लिखना है EMI कार्ड लिमिट इंक्रीज। आपको कुछ भी इसमें तामझाम नहीं करना, सिर्फ इतना आपको लिखना है, ओनली EMI कार्ड लिमिट इंक्रीज। और इसके बाद नीचे आपको जो आपका नंबर बजाज में रजिस्टर है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है, और इसके बाद आपका जो नेम है वो नेम आप लिख सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपको अपना नेम लिख देना है और बजाज कस्टमर आईडी होता है, अगर आपको याद है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर आपको याद नहीं है तो आप जो है अपना यहाँ पे बजाज का, बजाज में जो आपका डेट ऑफ बर्थ रजिस्टर है वो यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। ये सारी चीज़ें आपको लिखना है और आपको मैसेज में आप कुछ लिख सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ओनली ये जो मान्य होगा सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट का मतलब है कि आप क्या करवाना चाहते हैं। तो आपने पहले से यहाँ पे लिखा है EMI कार्ड लिमिट इंक्रीज, और जैसे ही आप ईमेल्स यहाँ से सेंड करोगे, ये ईमेल्स का रिस्पॉन्स आपको ऑटो जनरेट ईमेल्स उनके तरफ से आ जाएगा और 2 से 3 वर्किंग डे में आपके पास सामने से मेल्स आते हैं। और अगर आपका लिमिट इंक्रीज करना रहेगा तो मेल्स में आपको बता दिया जाएगा और आपके पास कॉल भी आ सकते हैं। इतना ही काम आपको करना है और आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका 100% आपका लिमिट इंक्रीज होगा। बट एक शर्त है कि बजाज फाइनेंस अपने सभी कस्टमर का जो लिमिट है वो 19 डेज से लेके, जैसे कि 3 मंथ से लेके 6 मंथ के अंडर में इंक्रीज करती है। कोई डिफॉल्ट नहीं है, कोई ओवरड्यू चार्ज नहीं है, कोई ऐसा आपने काम नहीं किया है तो लिमिट आप इंक्रीज करवा सकते हो। दोस्तों, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो यकीन मानिए ये काम आप करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जो लिमिट है 100% इंक्रीज होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बट मेरी जो शर्त है उसे आपको याद रखना ही है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे लाइक करके बता देना, दोस्तों में शेयर कर देना और आपके मन में कोई भी सवाल तो कमेंट कर देना। और एक बात है, आपको मैं एडवांस में शेयर करूंगा, अगर आप बजाज फाइनेंस से अच्छा रिकॉर्ड बनाएंगे तो आपको RBL सुपर कार्ड भी मिल सकता है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।